स्वागत दोस्तों। आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपना पीनट कैक्टस। जैसा कि समर का मौसम है और कैक्टस खूब ग्रोथ कर रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं उनमें। ये तकरीबन 2 साल पहले मैं एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी कहीं से, और देखो इसकी ग्रोथ। इसके लिए आपको चाहिए बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट और सॉइल, जैसे कि सब कैक्टस की होती है, वेल ड्रेन। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वंस इन अ वीक गर्मियों में, और सर्दियों में तो चाहे आप इसको 1 महीने में पानी डालो। और आपने रखना है इसको फुल सन में, पार्शियल शेड में भी रह जाता है इनडायरेक्ट सनलाइट में। और ये अपने आप देखो मल्टीप्लाई होता जाता है, और इसके ये छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं। अगर आपने इसको प्रोपेगेट करना है तो निकाल के दूसरे में लगा सकते हो। ये इसका मदर प्लांट है, इसमें से मैंने निकाल के ये प्लांट इसमें लगाया था। देखो आज मेरा 2 साल में पहली बार ब्लूम हुआ ये, और इसके मरने का एक ही कारण होता है ओवर वाटर। अंडर वाटर में भी ये देखो इस तरह से ये बिल्कुल डेड है, ये इतना हिस्सा। तो फ्लावर्स मेरा एंजॉय करिए, देखो कितना खूबसूरत फ्लावर है ये। ये देखो इसके ऊपर छोटे छोटे से स्पाइक्स हैं, ये वैसे तो हाथ में नहीं चुभते, पर फिर भी आप इस तरह के ट्विज़र का ही इस्तेमाल करें तो ठीक रहता है। ब्लूम तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये ऑरेंज कलर का देखो फ्लावर है। मैं एक दिन से देख रही थी, इसके ऊपर छोटी सी बड आ रही थी, तब से मैं डेली इसको देख रही हूँ। विद इन 3 डेज ही ये बड, देखो इतना बड़ा ये फ्लावर है इसका। देखो अंदर इस तरह का येलो कलर है ये। तो आप भी इस को लेके आइए, अगर ये थोड़ा शेड में रहता है तो इस तरह का ग्रीन सा रहता है, और ज़्यादा थोड़ा पानी पी ले तो ये इस तरह रेडिश सा हो जाता है। और तो लाइए आप ही इस कैक्टस को, और इसका ब्लूम कहते काफ़ी ब्लूम करता है ये, तो एंजॉय करिए मेरे पीनट कैक्टस का ब्लूम। कैसी लगी आपको ये मेरी शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।